जी राम राम जी, कैसे हो आप? आशा करते भी आप सब भी ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक हैं। और सुबह का टाइम हो रहा है, दोपहर हो गई, बस 10 बज गए हैं, 10 से ऊपर टाइम हो रहा है, 10:30 के करीब हो रहा होगा ना टाइम, 10:30 का टाइम हो रहा है। कपड़े धोने लगी थी मैं, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पसीने आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अरे नहा धोकर रेडी भी हो लिए, जोत बत्ती भी ला ली न थे, और दक्ष दुकान खोल ले बैठे हैं नीचे, और मैं थोड़ी देर पसीने सुखाऊँ उसके बाद जाऊंगी नहाने। क्यों हंसो ना कुछ हंसी? ये ठीक ठाक नहीं है, क्या हो गया आपको? ये देखो घुमड़ी हो और पियो गरम गरम चीज गाढ़े बना बना के, और कुछ इनका फुंसी हो रही है सारे। एक बार आराम हो गया था, फिर दवाई बंद कर दी रेगुलर तलित्ते को ने, वो थोड़ा सा आराम हो गया था, दवाई छोड़ दी, अरे फिर हो रहा है ज़्यादा। आज फिर लेकर आई है दवाई, और आज मेरे भी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, विटामिन डी की कमी है। वैसे मैं डॉक्टर तो दिखा पाऊँगी, वे ज़्यादा अच्छी क्रिया बताऊँगी, लेकिन हमने पढ़ाया है तो उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है। जाएंगे सोमवार ने, देखेंगे सोमवार ने जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज धूप भी निकाल दी, 2 दिन तक बादल भी हो रहे थे, बारिश हुई नहीं बिल्कुल, थोड़ा बहुत छिड़का विड़का सा होगा बस, इसी बारिश हुई ना के बराबर। कुछ कहना चाहते हो? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, नहीं कहना चाहते। और काफ़ी सारे कपड़े धोकर सुखाए हैं सारे, इस साइड धूप आ रही है ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बाहर इस साइड तो धूप आ रही है, नहीं तो सारी ग्रिल वगैरह सब कुछ भरी पड़ी है, क्योंकि मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में धोए हैं, शुक्रवार नहीं धोई फिर आज शुक्रवार है, पूरे 1 हफ्ते में कपड़े धोए हैं आज। आज मैं थोड़ी सी लास्ट चल रही हूँ, इच्छा रहेगी मैं ना तो मैं सबसे पहले ना लिया करती, दक्ष सर मैं हम दोनों ना आते जल्दी, और ये पीछे रह जाया करती। आज मैं कपड़े धोने के चक्कर में मैं पीछे रह गई, अभी ना लेती हुई पसीने तो नहीं आए जाएंगे ना सूखे, देख लिया मैंने, गर्मियाँ इतनी हो रही हैं। और फिर बनाऊंगी रोटी, क्योंकि रोटी एक बार देखने लग रही है, मैं नहाए पीछे जोत बत्ती लगाकर जब रोटी बनाया रुक, क्योंकि फिर मेरी ठंडी हो जा है, तो इसलिए मैं इन्हें भी जब बदूँ जब मेरा खाने खाते हैं वो है ना। अब आगे भाई शाम को नीचे दुकान में, सुबह तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए जल्दी बढ़ा दी थी दुकान, 1:30 बजे बढ़ा दी थी, और अब 5 बजे दुकान खोल ली है। दक्ष जा रहा अपने पापा का खाना देने, बना के दे दी थी उनको रोटी, तो देने गया हुआ है। और कनक होगी भी बीमार, कनक को डिस्पेंसरी से दवाई दिलवा के ले आई थी आज, देखो आराम लग गया अपना, खाना तो कुछ खाती नहीं भी, दवाई कैसे लेगी? एक जो खाली पेट की थी बस वो बोली है, दूसरी दवाई ले नहीं पाई क्योंकि कुछ खाया ही नहीं, सुबह से ऐसे बैठी है, गले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये सर्द गर्म का मौसम चल रहा है ना, गर्मी हो रही है ज़्यादा, और ऐसे पसीने में पानी पी लें वो भी ठंडा फ्रिज का निकाल के, तो उससे भी हो रही है बस, कभी एसी में चले जाते कभी बाहर आ जाते, ऐसे चल रहा है भाई मौसम। और मैं भी अपनी दवाई लेकर आई थी, मैं गई थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि मेरी रिपोर्ट आ गई थी ना इसलिए, तो मैं कहा चल दिखा कर आऊँगी, लेकिन डॉक्टर मिली ही नहीं, वो कहीं मीटिंग वगैरह में जा रही थी, तो बाद में जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। और जो मैं विदेशी दवाई लेकर आई थी ना जहाँ हॉस्पिटल से, वो तो खाई नहीं गई, तो आज मैं यहाँ से लेके आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा कड़वी है, वैसे ही खाई जाएगी पाउडर वगैरह, तो वो तो रखी है, और आज दूसरी लेकर आई थी, ज़्यादा दर्द होगा तो ले लूँगी, नहीं तो रखी रहेगी, रखी करूँगी, लेकिन ले आई थी मैं। और अभी बैठे हैं दुकान में, दुकान में भी कुछ काम करने का मन नहीं है, 2-2 पंखे चल रहे हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बहुत हद से ज़्यादा। और कूलर हमने परेंद रख रखा है दूसरी साइड में बरंडे में, उसमें पानी भरा हुआ है, और नीचे हमने जब वो कूलर रखा था ना पानी भरा था, उसके बाद वो चलाया ही नहीं गया है, तो उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी भरने की वजह से ना इधर भी नहीं ले सकती, आज देखूँगी उसमें मैं खाली करके फिर इधर ले पाऊँगी दुकान में, क्योंकि दुकान में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से बैठने में, किससे तक भी ना बैठा जाता इस टाइम। वैसे मैं कपड़े वगैरह सिल लूँ, काफ़ी सारे कपड़े आ रहे हैं, लेकिन ना बस
आज मैं भी नीचे आ गई, क्योंकि फिर बच्चे यूँ कह दे हैं अगर मम्मी आप तो ऊपर एसी में बैठे रहो और हम नगर में नीचे बिठा दूँ, तो मैं कहा चलो आज मैं भी नीचे बैठूँगी। और कुछ हमारे पड़ोस में जागरण है तो थोड़ी सी रौनक सी होती रहे ना, आते जाते दिखे जा रहा थोड़ा मन भी लग गया है, तो मैं नीचे भी आ गई थी क्योंकि दक्ष रोटी देर कह रहा था और कनक सो रही थी, थोड़ी तबीयत खराब थी, ये अभी उठ गई है, तो मैं कहा चलो मैं बैठ जाऊँगी तेरे दुकान में। टेंट वेंट लगा रहे, माता रानी का जागरण है आज हमारे पड़ोसी करवा रहे हैं। वैसे खाटू श्याम का भी इन्होंने करवाया था पीछे भी, कई बार हो गया जागरण तुम्हारे पड़ोस में, और अपना बढ़िया जी सा लग रहा है। मैं रैका दे सारा सूट के सारा लग कर बैठ गई, वैसे ज़्यादा देर बैठा ना जाता, कुर्सी पे भी ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, कुर्सी पे भी ना पैर दुखने लग जाते ज़्यादा देर बैठे बैठे, और कपड़े भी काफ़ी सारे सिलने हैं और गर्मी बस अंत हो रहा है। एसी अब बंद करके आए हैं क्योंकि ना ज़्यादा देर एसी चलाने में भी वही बिजली का बिल इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा देख देख कर चलाओ हैं, बीच बीच में बंद भी कर दे हैं, तो अभी बंद कर दिया, दिन में चला लिया था थोड़ी देर, और फिर शाम ने अभी पानी भी आएगा आज उसमें, तो फिर मोटर भी चल रही है, इतना नीचे कर ले हैं। आपने दिखाऊँगी देखो बाहर का सीन, कूलर वगैरह लगा दिए, टेंट लगा दिया था, टेंट तो कल ही लगा दिया था इन्होंने, मतलब ये जो टेंट लगाने वाले होते हैं डंडे से ये कल लगा दिए थे, वैसे अभी लगाने लग रहे हैं, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा चल रहा है। ये पंडाल पूरा सज गया, लाइटनिंग वगैरह लग गई है सारी, अच्छा लग रहा है। सामने माता रानी है रेड चोले में, उसके साइड में हनुमान जी हैं, फिर श्री कृष्ण जी हैं, और उधर ये नीचे गणेश जी हैं, और इधर सरस्वती माता और है, सरस्वती माता और शिव जी हैं। ये देखो भाई पूरा पंडाल सज कर रेडी हो गया है माता रानी का, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपने, ये देखो इन्ना आज ओपन छुटवा रखा है, ये अच्छा कर दिया, और हमारे घर तक तो बिल्कुल साफ दिखाई दे है, नीचे जाने की भी जरूरत ना है, अगर जाना चाहो तो जा भी सके, इसी बात में है, अगर मतलब ना जाना चाहे, वैसे तो कूलर लगवा रखे हैं इन्होंने तो ऊपर से बैठ के भी आराम से देख सकते हैं, वैसे सुविधा नीचे भी बढ़िया हो रही है, बैठने की सी बात ना हो, जितनी देर हो उसकी कोशिश वही देखेंगे। पानी भी आ रहा है, पानी भरने लग रहे हैं, अरे सारी तैयारी हो रही है। इनके लड़के का जन्मदिन आज का, तो इन्होंने जन्मदिन का मतलब बोल रखा होगा, होया होगा जब माता रानी का करवाएंगे जागरण, तो उसके उसमें करवा रहे हैं। वैसे मतलब इसको ना कवर कर देते थे ये ऊपर से, जैसे ये इधर हो रहा, अब की बार खुला छोड़ दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और हवा लगती रहेगी, और आज अब ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम। कूलर वगैरह की व्यवस्था कर रखी, कूलर चला रखे हैं, ये इतने बड़े बड़े कूलर आ रहे हैं, ये देखो एक ये इधर भी रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है लाइट में, एकदम बढ़िया पंडाल सज रहा है। कनक के पापा भी बस आने वाले हैं ड्यूटी से अभी, और खाना हम खाया ही थे, खाना आज बनेगा ही नहीं क्योंकि कनक के पापा का तो पहले ही पूछा दिया था बना के, और हम इधर खाया ही थे इनके यहाँ पे। अभी पानी भर रही हूँ, मगर साथ की साथ वीडियो भी बना लेती हूँ, भी आपको दिखा देती हूँ कीसा के पंडाल सज गया, और ये देखो बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे दिखाई दे रहा है ये पूरा पंडाल, अभी बिछाए नहीं है पूरे गद्दे क्योंकि बच्चे बिल्कुल गंदे कर देंगे, और बच्चा ना खेल मिल रहा है गद्दे आप लाग रहे खेलना,
अच्छी बात है, अभी जागरण करवाना जिस तो उसके सपना करवाना चाहिए। और घर के सामने बढ़िया रौनक हो जाए, कदे खाटू श्याम का कदे माता रानी का, और बढ़िया मौज हो रही है भाई।